अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी हमारे पास मोबाइल आया है सैमसंग का, जिसका मॉडल है A52। पीछे इसका मॉडल आपको नज़र आ रहा है या नहीं? वैसे इसका मॉडल है A52 और इस पे जीमेल लगा है। मैं पहले आपको इसका जीमेल चेक करवा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट करूँगा। ये वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है, नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। कुछ मोबाइल यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, आपने घबराना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। कुछ मॉडल है जो यहाँ पे इस जगह पे ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है जो कि कस्टमर को याद नहीं था, जिसकी वजह से इसको फॉर्मेट करना पड़ा था। तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है। अगर आपको पुराना पासवर्ड याद है अपना मोबाइल का, जो आपने फॉर्मेट करने से पहले लगाया हुआ था, तो आप वो पासवर्ड लगा के इसको यहाँ से इजीली स्किप कर सकते हो। अभी हम गूगल से ट्राई करेंगे, वहाँ पे स्किप का ऑप्शन आता है कि नहीं आता। तो ये देखिए, यहाँ पे भी स्किप का नीचे कोई ऑप्शन नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा। जहाँ पे नेक्स्ट लिखा है उससे लेफ्ट साइड पे स्किप का ऑप्शन आ जाता है, अगर जीमेल वगैरह ना हो इसमें तो, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे बाईपास करेंगे। यहाँ से इमरजेंसी डायल मर जाके आपने डायलर में जाके *#0*# मिलाना है, तो ये टेस्ट मोड वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपने अपने मोबाइल को PC या लैपटॉप से कनेक्ट कर लेना है, और आपका PC या लैपटॉप जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी है। सबसे पहले इस फ्री टूल से हम ट्राई करेंगे। SAM-FW टूल नाम है इसका, ये फ्री टूल है। सबसे पहले हम इसके ज़रिए इसको बाईपास करने की कोशिश करेंगे। सैमसंग पे क्लिक करके टेस्ट मोड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है इस पर क्लिक करके नॉर्मल मोड पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये देखिए, उसने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, तो आपके सामने ये वाला पॉपअप आ जाएगा। तो आपने यहाँ से RRD ओपन टेस्ट मोड पर क्लिक कर लेना, क्योंकि हमने RRD टेस्ट मोड ओपन कर लिया हुआ है।
हम इस पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे फिर। ये तो यहाँ पे लिखा आ चुका है अनेबल एडीबी फेल्ड, क्योंकि ये है लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हुआ है एंड्रॉयड 13 पे, जिसका वन यूआई वर्जन जो है वो 5.1 है, तो ये फ्री टूल से नहीं होगा। कुछ होते हैं जो इसका 5.0 तक होगा वो फ्री टूल से हो जाएगा, वन यूआई वर्जन जो होता है, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि ये 5.1 है। तो अभी हम इसको करेंगे अनलॉक पेड टूल से। अनलॉक टूल नाम है इसका और ये पेड है। यहाँ से हम इसको सैमसंग पे सेक्शन में चले जाएंगे। ये सैमसंग वाला सेक्शन ओपन हो गया। यहाँ से हम जो ये तीन फंक्शन है साइड पे, वहाँ से जो दरमियान वाला फंक्शंस लिखा होगा उस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना। ये दरमियान वाले पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये चौथे नंबर पे ऑप्शन होगा रिमूव FRP 2023, इस पर क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। और ये भी यही बोर्ड है कि स्टार है 0 स्टार हैश मिला के आपने टेस्ट मोड ओपन करना है, जो कि हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ये ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है, तो अभी सिंपली हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से मैं मेथड टू सेलेक्ट करूँगा, आप दूसरों में से भी करके देख लें, जिस पे आपका होता है वो ठीक है। मेरा उम्मीद है मेरा मेथड टू से हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे मोबाइल पे ये वाला ऑप्शन आ गया है, अलाउ USB डीबगिंग। तो हम यहाँ से टिक करके अलाउ पे क्लिक कर देंगे। फिर से सेम ऐसे ही करेंगे, ये दो तीन दफ़ा आपके सामने आएगा, आपने सेम ऐसे ही करना है। तो वहाँ पे भी रिमूविंग FRP ओके लिखा आ चुका है और हमारा मोबाइल भी बाईपास हो चुका है, मेन मेन्यू पे आ चुका है ये वाला। तो ये देखिए यहाँ से अलाउ पे क्लिक कर दूंगा। अभी मोबाइल को डिसकनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से सेटिंग में जाके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अबाउट में गए और यहाँ से ये देख लें, मॉडल A52 A525F है। और इसका सॉफ्टवेयर भी देख लें, Android 13, वन UI वर्जन जो है वो 5.1 है। अगर ये 5.0 होता तो ये फ्री टूल से हो जाना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखें। और यहाँ से भी मैं आपको ये देखिए, अकाउंट वगैरह अभी इसमें कोई नहीं है, अभी ये बिल्कुल फ्रेश मोबाइल हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।